मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी। सर विद योर काइंड परमिशन आई विश टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस पेपर्स लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 2 ऑफ टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 3 श्री पद यशो नाइक जी। सर आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 3 ऑफ टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 4 श्री अजय भट्ट जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी श्री भगवंत खूबा जी रसायन और उर्वरक मंत्री की ओर से मैं उनके नाम के सामने अंकित क्रम संख्या 5 पर आज की संशोधित कार्य सूची में अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 6 डॉक्टर भारती पवार। ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस पेपर्स मेंशन अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 6 इन टुडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू। आइटम नंबर 7 डॉक्टर मुंजुपरा महेंद्र भाई। ऑनरेबल सर, with your kind permission I wish to lay on the table of the house papers mentioned serial number 7 against my name in today's revised list of business. Thank you sir. 7A Shri Pankaj Chaudhary ji. Mohoday, main apne varishth sahyogi Srimati Nirmala Sitaraman ki or se is aashay ki vyakhyatmak gyapan ke sath is light house ki adhiniyam 1927 ke tahat light house aur light ship mahanirdeshalay dwara vasula jane wala light bakaya पर वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66B के तहत देय सेवा कर का 1 जुलाई 2012 से शुरू होने वाली तथा 30 जून 2017 को समाप्त होने वाली अवधि में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिसूचना संख्या 1/2022 सेवा कर की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। पेट्रोलियम कच्चे तेल के उत्पाद और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए अधिसूचना संख्या 18/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 19 जुलाई 2022 को आगे संशोधित करने हेतु दिनांक 15/12/2022 की संख्या 42/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए अधिसूचना संख्या 4/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 30 जून 2022 में संशोधन करने हेतु दिनांक 15/12/2022 की संख्या 43/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आइटम नंबर 9 डॉक्टर किरीट सोलंकी जी। सर आई राइज टू ले ऑन द टेबल ए कॉपी ऑफ स्टेटमेंट हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन शोइंग फाइनल एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑब्जर्वेशन कंटेंड इन द 12th रिपोर्ट 17th लोकसभा ऑफ द कमिटी on the welfare of scheduled caste and scheduled tribe as indicated in today's list of business. Item number 10 Dr. Kirit Solanki ji. Sir, I rise to lay on the table a copy of Hindi and English version of the study visit report of the committee on welfare of scheduled caste and scheduled tribe to Mussoorie, Hyderabad and Ooty from 18th August 2022 to 24 August 2022. Thank you. Item number 11, Shrimati Rama Devi. सभापति महोदय, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के दिव्यांगताओं के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा संबंधी समिति का 42वां प्रतिवेदन मैं प्रस्तुत करती हूं। दूसरा नंबर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अनुदानों की मांग 2022-23 संबंधी समिति में 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों सिफारिश के पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं। आइटम नंबर 12 श्री अजय भट्ट जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 12 पर
मेरे नाम के सम्मुख अंकित रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 19वें, 20वें, 21वें और 22वें प्रतिवेदनों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सामान्य रक्षा बजट BRO, ICG, रक्षा संपदा संगठन DPSU, CSD, पूर्व सैनिकों के कल्याण और रक्षा पेंशन, मांग संख्या 18 और 21, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, संयुक्त स्टाफ MES, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल, मांग संख्या 19 और 20, रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा योजना और विवाहित आवासीय परियोजना, मांग संख्या 20, आयुध निर्माणिया DRDO, DGQS और NCC, मांग संख्या 19 व 20 से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 13, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई राइज टू अनाउंस दैट गवर्नमेंट बिजनेस ड्यूरिंग द वीक कमेंसिंग मंडे द 19th of December 2022 विल कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 कंसिडरेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस कैरिड ओवर फ्रॉम टूडेज ऑर्डर पेपर इट कंटेन्स फर्दर कंसिडरेशन पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 3rd अमेंडमेंट बिल 2022 consideration passing of the constitution schedule tribe order 4th amendment bill 2022 and further consideration and passing of the anti maritime piracy bill 2019 number 2 the consideration passing of the following bill the constitution schedule tribe order 5th amendment bill 2022 and the multi state cooperative society amendment bill 2022 number 3 the consideration and passing of the repealing and amending bill 2022 after its introduction 4th consideration and agreeing to of amendment made by Rajya Sabha to the constitution scheduled caste and scheduled tribe order 2nd amendment bill 2022 as passed by Lok Sabha thank you